हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरिका। सो गाइस, हमारा चैप्टर 19 चल रहा है क्लास फोर्थ का, अब्दुल इन द गार्डन, जिसका ये पार्ट फोर है, लास्ट पार्ट है, जिसमें इस चैप्टर के हम लास्ट टू पेजेस, पेज नंबर 164 एंड 165 कवर अप करेंगे। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स विथ पेज नंबर 164 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो देखो, कल हमने एक एक्टिविटी की थी, जिस एक्टिविटी में हमने एक जार के ऊपर कॉटन बॉल लगा के उस कॉटन बॉल पे सीड्स को स्प्राउट किया था, कैसे, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एयर एंड प्रॉपर वाटर, है ना। हमने देखा था कि इन दोनों के साथ ही जो हमारा सीड है वो स्प्राउट होता है। हमने एक चीज़ और नोटिस की थी, जो हमारे रूट्स हैं वो डाउनवर्ड ग्रो हो रहे हैं एंड जो हमारे स्टेम है वो अपवर्ड ग्रो हो रही है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आगे कंटिन्यू हो रहे हैं, हमको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रूट। तो देखो, जो रूट का कलर होता है वो होता है ऑफ वाइट। जैसे आप इसमें देख सकते हो, रूट का कलर क्या है, ऑफ वाइट। सो इट इज ऑफ वाइट। नेक्स्ट वन इज, डिड यू सी एनी हेयर ऑन द रूट, क्या आपको हेयर दिखे। देखो, अगर आप इस पर भी ध्यान से देखो कि आपको बहुत छोटे छोटे यहाँ पे बाल दिखेंगे, हेयर दिखेंगे। सो जिस भी डे पे आपको दिखे नहीं दिखे, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यहाँ पे नोट करना, दैट आफ्टर 8 days स्मॉल हेयर ग्रू ऑन द रूट्स। एट्थ वन इज, ट्राई टू पुल आउट 1 little plant फ्रॉम द कॉटन वूल, वर यू एबल टू पुल इट आउट। तो आपको क्या करना है, जो हमारी कॉटन वूल पे छोटा सा सीड था, जो प्लांट बना है, मतलब स्प्राउट हो गया है, इसको आपको पुल आउट करना है। पुल आउट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालने की कोशिश करनी। तो देखो, इस सीड को आप बाहर तो निकाल लोगे, पुल तो कर लोगे, बट थोड़ा मुश्किल होएगा, क्योंकि जो ये रूट्स हैं ये कॉटन के साथ क्या कर चुके हैं, प्रॉपर ग्रिप बना चुके हैं। सो येस, आई वॉज एबल टू पुल आउट बट विद द डिफिकल्टी, बिकॉज रूट्स मेड ग्रिप विद द कॉटन, क्योंकि जो वो रूट्स हैं उसने ग्रिप बना ली है कॉटन के साथ, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि अब्दुल ने सोचा कि जो वो प्लांट है, ट्री है, वो हवा से अप्रूट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो रूट्स हैं वो सॉइल के साथ क्या कर लेती हैं, ग्रिपिंग बना लेती हैं। वैसे ही हमारी जो सीड था वो स्प्राउट होने के बाद उसकी रूट्स ने कॉटन के साथ ग्रिपिंग कर ली। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिड यू सी हाउ द रूट्स ग्रिप द कॉटन वूल, क्या आपने देखा कि ग्रिपिंग कैसे की। सो देखो, बहुत स्ट्रांगली ग्रिपिंग कर लेते हैं वो। डू यू थिंक दैट द रूट्स होल्ड द सॉइल इन द सेम वे, सो येस, जो रूट्स हैं वो भी सेम ही तरीके से सॉइल में ग्रिपिंग कर लेती हैं। ऑल्सो लुक एट द प्लांट ग्रोन बाई योर फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड का भी चेक करना है कि क्या उसने जो सीड जर्मिनेट किया है उसके रूट्स ने भी ग्रिपिंग किया, सो ऑब्वियसली उसके रूट्स ने भी की होगी। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, येस रूट्स ग्रिप द कॉटन वूल, एंड येस आई थिंक द रूट्स होल्ड द सॉइल इन द सेम वे, जैसे हमारे सीड की रूट्स ने कॉटन पे ग्रिपिंग बनाई, वैसे ही जो प्लांट है सॉइल में, जो प्लांट लगाते हैं उसकी रूट्स भी सॉइल में ग्रिपिंग करती है, एंड द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन बाय माय फ्रेंड ऑल्सो हैव द ग्रिप ऑन कॉटन वूल, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा रीडिंग पोर्शन है, अबाउट एंड डेजर्ट ऑक ट्री। तो देखो, जो ये डेजर्ट ऑक ट्री है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल, जितनी बड़ी आपकी क्लासरूम की वॉल है उतना लंबा ये ट्री है, एंड इसके जो लीव्स हैं वो बहुत कम होते हैं। कैन यू गेस हाउ डीप इट्स रूट्स कैन ग्रो, तो देखो जो ये ऑक ट्री है इसकी रूट्स कितनी डीप होती हैं। इमेजिन द लेंथ ऑफ 30 सच ट्रीज लेड डाउन इन द लाइन एंड टू एंड वन अनदर आफ्टर, दैट इज हाउ दिस लॉन्ग ट्रीज, तो इसकी रूट्स कितनी लंबी होती हैं अगर हम 30 ट्रीज ऐसे ले डाउन कर दें, पहले फर्स्ट ट्री, फिर यहाँ पे सेकेंड ट्री, फिर थर्ड ट्री, ऐसे 30 ट्रीज को लगा दें, तो जितनी लेंथ बनेगी उतनी लेंथ के मतलब उतनी लंबी इसकी रूट्स होती हैं। वो क्यों होती हैं, सिर्फ एक ही रीज़न से, क्योंकि वो जो रूट्स हैं वो ग्राउंड में पानी को ढूंढती हैं, ठीक है। जब उनको पानी मिलता है तब तक वो रूट्स ग्रो करती रहती हैं। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक, तो ट्री ट्रंक क्या होता है, देखो दिस वन इज ट्री ट्रंक, ये जो होता है ना ये ट्रंक होता है ट्री का, और इसमें वो वाटर सेव हो जाता है। जब भी उसके आसपास जो डेजर्ट एरिया में लोग रहते थे उनको पानी नहीं मिलता था, तो वो क्या करते थे, इस ओक ट्री में एक होल करके पाइप लगा लेते थे, और उस पाइप से वो पानी ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर लेते थे, क्योंकि हम सब ने अभी पढ़ा ओक ट्री है अपनी ट्रंक में पानी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। व्हेन देयर वाज नो वाटर इन द डेजर्ट द लोकल पीपल यूज अ थिन पाइप इनटू द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड ड्रिंक इट्स वाटर, तो जो लोकल पीपल हैं जब उनको आसपास से पानी नहीं मिलता तो वो इस ट्री की ट्रंक में एक पाइप लगा के पानी ले लेते हैं।
समझ आया? नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का व्हाट ग्रोज, क्या क्या ग्रो होता है। हरीफ एंड रूपाली डिड द सेम एक्टिविटी, दे सो द सीडलिंग्स ग्रो। When asked what the things grow, they have very difficult ideas about that grow. तो उन्होंने भी देखो सेम एक्टिविटी की, पर जब उनसे पूछा गया कि क्या ग्रो करता है तो उनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडिया है। उन्होंने एक लिस्ट क्रिएट किया थी, आरिफ ने अपनी लिस्ट में लिखा लीव्स, लीव्स भी ग्रो करते हैं हम सबको पता है। मुन्ना, मुन्ना एक छोटी सी बेबी को बोला गया है, बर्ड, बर्ड ग्रो करके फ्लावर बन जाता है। पपी, नेल एंड फिश, देखो हमारे नेल्स भी ग्रो करते हैं एंड फिशेज भी ग्रो करते हैं। एंड जो सेकंड थी रूपाली, उसने अपनी एक लिस्ट बनाई, उसने कहा मून, मून ग्रो करता है, हम सबको पता है पहले मून इस सिचुएशन में होता है, फिर वो थोड़ा हाफ मून में आ जाता है, फिर वो फुल मून बन जाता है ना, सो मून भी ग्रो करता है। ट्री, आई, आई मीन्स रूपाली, हेयर, वाटरमेलन, मॉस्किटो एंड क्रो, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। What do you think which of these listed by Arif and Rupali grow? तो देखो जो इन दोनों ने mention किया वो सब कुछ ही grow करता है। All the things in a list of Arif and Rupali grow. आपको भी एक list create करनी है जो जो चीज़ें grow करती हैं, जैसे Arif and Rupali ने की, तो बहुत simple है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो जो grow करता है, जिसका size increase होता है, जैसे plant, dog, cat, rat, moon, me, my friend, hair, nails are grow. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक अबाउट योरसेल्फ, अब अपने बारे में सोचो कि कैसे आप चेंज हुए। सबसे पहले उन्होंने पूछा है क्या आपकी हाइट इंक्रीज हुई, थर्ड क्लास से फोर्थ क्लास में आने से क्या आपकी हाइट इंक्रीज हुई, तो कितनी हुई आपको वो मेंशन करना है। सो यस, आई ग्रू 2 inches टॉलर इन द लास्ट 1 year, पिछले एक साल में मेरी हाइट कितनी इंक्रीज हुई, 2 inch, इट मीन्स आई एम ऑल्सो ग्रोइंग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इमेजिन करना है कि सपोज करो आपके जो नेल्स हैं वो ग्रो करते हैं, बट आप उनको कट ही ना करो। हम अपने नेल्स कट करते हैं, बट सपोज करो हम बचपन से उनको कट ही ना करो, तो वो कितने लंबे हो जाएंगे, इतने इतने लंबे, बहुत डरावने लगेंगे। और आपको इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है, बड़ी फनी सी पिक्चर इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सी एक्टिविटी थी। लास्ट क्वेश्चन है, नेल्स के अलावा और ऐसी कौन सी चीज़ है जो ग्रो करती है और हमें उसको रेगुलर कट करना पड़ता है। तो देखो जो हमारे हेयर हैं वो भी रेगुलर ग्रो करते हैं, और हेयर को ज़्यादा लंबे ना होने से हमें उनको कट करवाना पड़ता है टाइम टू टाइम। ठीक है, सो दिस वॉज योर चैप्टर अब्दुल इन द गार्डन, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा प्लांट्स के बारे में, नए नए फैक्ट्स सीखे। सो नेक्स्ट क्लास में रहेंगे आपके नेक्स्ट 2 pages ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। क्लासेस अच्छी लगती हैं, समझ आता है तो शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड गाइस, हमारी मैथ की बुक भी चल रही है क्लास 4th की, सिमिलर पेज वाइज चल रही है, चैप्टर वाइज। ठीक है, सारी बुक वहाँ पे फिनिश करवाई जाएगी। कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।